हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 5 के लिए है। आज हम अपने इंग्लिश की बुक के फर्स्ट लेसन वी शैल ओवरकम से स्टार्ट करेंगे। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो मैं साथ साथ बोलता रहूँगा, ठीक है। आप जब वीडियो देखेंगे तो आप नोट करते रहना, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर की PDF वगैरह वो लास्ट में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें। आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग लगा के फर्स्ट लेसन वी शैल ओवरकम, उसके बाद में उसके वर्ड्स मीनिंग और उसके जस्ट बाद में उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इसी क्रम में करेंगे। चलिए जी, लेसन स्टार्ट करते हैं। वी शैल ओवरकम का, पहले तो हम वी शैल ओवरकम का मतलब जानेंगे। इसका मतलब होता है कि हम होंगे कामयाब। एक गाना सुना होगा, एक पोइम सुनी होगी आपने बहुत साल पहले, एक जब भी इंडिपेंडेंस डे ये सब पे जब भी कोई फंक्शन होता है गाना आता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, उसी पे ये पोइम लिखी गई है, ठीक है। तो इस पोइम को हम शुरू करते हैं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। तो कहते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, चार लाइनें हैं, उसको इकट्ठा हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, एक साथ बोलेंगे। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे, ठीक है। इसी धुन में इसी हिसाब से हम ये करेंगे। वी का मतलब हम, शैल का मतलब होंगे, ओवरकम का मतलब कामयाब, ठीक है। समडे का मतलब एक दिन, डीप होता है गहरा, डीप का मतलब गहरा, हर्ट का मतलब दिल से, आई डू बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ओवरकम का मतलब कामयाब, शैल का मतलब होंगे, वी का मतलब हम, समडे का मतलब एक दिन, डीप का मतलब गहरा, हर्ट का मतलब दिल से, बिलीव का मतलब विश्वास। चले नेक्स्ट पे। चलिए जी, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक इन हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, ओह डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। वी शैल वॉक, We shall walk hand in hand someday, ठीक है। तो सेकेंड पैराग्राफ की जो ये जो फोर्थ लाइन है, इनमें क्या कह रहा है कि हम एक दूसरे से हाथ से हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और हम, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम यूं ही इसी तरह एकता बना के रखेंगे तो हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेंजा के अंदर ये बात कर रहा है कि हमें अलग अलग नहीं रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का हाथ थामकर इकट्ठे एक साथ एक एकता का मार्ग अपनाकर हमें एक दिन कामयाब होंगे अगर हम इस चीज़ को कायम रखें तो। चलिए जी, थर्ड पैरा। वी आर नॉट अफेड, वी आर नॉट अफेड, वी आर नॉट अफेड टू डे, ओ डीप इन माई हार्ट I do believe we are not afraid today, ठीक है जी। तो अगले की जो चार लाइनें दे रखी है, इसके अंदर हम एक्सप्लेन में क्या कह रहा है ये, पहले तो वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए। इसमें वर्ड मीनिंग होगा, अफेड का मतलब होता है भयभीत या डरना, ठीक है। नोट लगाए तो मतलब नहीं डरेंगे, ठीक है। टूडे का मतलब आज, और बाकी सब तो सिमिलर ही है जो मैंने पहले करवाया था। तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम आज नहीं डरेंगे, इतना मेरा विश्वास है कि हम कभी नहीं डरेंगे और हम एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे, ठीक है। इन चारों लाइंस में ये कहा गया। हाँ जी, तीन स्टेंजा हो गए हमारे, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। वर्ड मीनिंग देखिए, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, ठीक है। शैल मेक अस फ्री, एक दिन हमें जो सत्य की राह है वो हमें एक दिन मतलब स्वतंत्रता महसूस करवाएगी, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक दिन ऐसा ज़रूर होगा,
ठीक है, ये मुझे दिल से विश्वास है, ठीक है, कि ये जो सत्य की राह पे हम चलें तो उस सत्य की राह पे हम अपने आप को एक दिन स्वतंत्र महसूस करेंगे और हम ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, अंतिम पैरा है इसका, देख लीजिए। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, ओहो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे। तो इसमें वर्ड मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले पीस का मतलब होता है शांति, ठीक है, और समडे का लिखवा दिया, डीप का हो गया बिलीव हर्ट, बाकी सब क्लेम हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी होगी कि हम एक कि वी शैल लिव इन पीस, हम एक दिन ऐसे शांति भरे माहौल में ज़रूर जिएंगे, ऐसा शोरगुल माहौल एक दिन के अंदर शांति ज़रूर आएगी, ये जो कि ऐसी शांति भरे माहौल में हम ज़रूर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है कि हम होंगे एक दिन कामयाब, और ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण करेंगे जिसमें चारों तरफ शांति होगी। ठीक है, तो आज की ये पोइम हमारी कंप्लीट हो, इसके राइटर हैं चार्ल्स अल्बर्ट आइडली। ठीक है, तो पोइम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये मीनिंग्स हैं, कुछ मीनिंग्स इसमें दिए गए हैं, जैसे ओवरकम का विजय पाना, अफेड का भयभीत, और हैंड इन हैंड का एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर, बिलीव का मतलब विश्वास करना, पीस का मतलब शांति, ये कुछ ये हैं, और कुछ मैंने बताए ऐसे करके, जो 10-12 मीनिंग बनेंगे उन्हें वो आपका आज का होमवर्क होगा, उस होमवर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, आप हेडिंग लगाना फर्स्ट लेसन वी शैल ओवरकम, और जो मैंने वर्ड मीनिंग बनाए बताए और कुछ ये वर्ड मीनिंग है, तो इन्हें नोट करके आप आज के होमवर्क में नोट कर लेना। ठीक है, बाकी का होमवर्क हम बाकी के जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ।